नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई वासियों ने गणपति बप्पा के आगमन पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया स्वागत, विधि विधान से पूजा पाठ कर मांगे खुशहाली की दुआ। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने के लिए बाजारों में दिखा उत्साह, लोग खरीद रहे हैं इको फ्रेंडली गणेश। रिटायर अफसर के घर से हुई चोरी के 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और लाखों का जेवरात आरोपियों से किया जब्त। राजनीति से जुड़े नेता किसानों और आम जनता को उद्योग स्थापित होने से प्रदूषण को लेकर फैला रहे भ्रम। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी का पर्व आरंभ हो गया है जिससे भक्तगण काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं भक्तों ने डीजे की धुन पर नाचते हुए गणेश भगवान के आगमन का स्वागत किया। भक्तों के प्रिय प्रभु गणपति बप्पा के आगमन पर शहरवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ डीजे की धुन पर नाचते हुए भक्तों ने गणेश भगवान का अभिनंदन किया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान गणेश के आगमन की पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना काल को देखते हुए जगह जगह पर कोरोना गाइडलाइन के पालन करने का सख्त आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे भक्तगण पूरी सुरक्षा के साथ अपने प्रभु का दर्शन कर सकें। न्यू आजाद गणेश समिति ये सेक्टर 2 में स्थित है और इस बार यहाँ पे गणेश उत्सव जो मनाया जा रहा है बहुत अच्छे से नियम पालन करके मनाया जा रहा है। जो भी शासन से नियम हमको मिला हम सब पालन कर रहे हैं उसका, मास्क, सैनिटाइजर और ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रहे इसका भी ध्यान रख रहे हैं हम लोग, और सामने भी खुली जगह है ताकि मतलब किसी को भी परेशानी ना हो। फिलहाल कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को पूरी सुरक्षा के साथ गणेश उत्सव का पर्व मनाना चाहिए और गणपति बप्पा से यही कामना करनी चाहिए कि कोरोना जैसी भयंकर महामारी से पूरे देश को जल्द ही मुक्ति मिले। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ रंजना राज की रिपोर्ट। भक्तगण जहां भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने बाजारों में उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं, तो वहीं दुर्ग जिले में भी लोगों द्वारा इको फ्रेंडली गणेश खरीदा जा रहा है। लोगों में पिछले सालों से शहर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गणेश उत्सव पर शहर में घरों में आमतौर पर POP की प्रतिमाओं की स्थापना की जाती थी, लेकिन अब लोग जागरूकता का परिचय देते हुए मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित कर घरों में ही विसर्जन करने लगे हैं। पिछले साल भी शहर में मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की स्थापना पूरे शहर में की गई थी। इस बार भी शहर में 50,000 से अधिक घरों में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। इसके लिए कई संस्थाओं और कारीगरों द्वारा लागत मूल्य पर प्रतिमाएं उपलब्ध कराई जा रही है। गणेश उत्सव की शुरुआत आज से शुरू हो रही है। गणेश उत्सव के पूर्व सामाजिक संस्था द्वारा लगातार हर साल घर घर सृजन घर घर विसर्जन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रेरित शहर में लोगों में जागरूकता बढ़ी है और हर साल घरों में POP के बजाय मिट्टी के गणेश की स्थापना की जाने लगी है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सतत प्रयासों के कारण अब लोगों के बीच में ये जागरूकता आई है कि हमें जो गणेश पूजा के समय जो प्रतिमाएं स्थापित करनी है वो मिट्टी की हों और उन पर जो पेंटिंग भी हो वो हर्बल पेंट्स हों, ताकि जब हम इनका विसर्जन करते हैं तो वो जो जल स्रोत हैं हमारे उनके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े। मिट्टी की प्रतिमा होने से वो मिट्टी की प्रतिमा पानी में घुल करके उसमें समाहित हो जाती है और जल स्रोत प्रदूषित नहीं। विभिन्न संस्थाओं के द्वारा इस गणेश उत्सव पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस जागरूकता के कारण मिट्टी के गणेश की खरीदारी की जा रही है। गणेश की मूर्ति बाजारों में आ रही है और भक्त अपने भक्ति भाव में गणेश की मूर्ति खरीद रहे हैं और सिद्धि विनायक गणेश को घर ले जाने के पूर्व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जा रही है। लोगों ने बताया कि मिट्टी के गणेश के फायदे के बारे में कि एक तो कोरोना बीमारी से दूर रहना, दूसरा पर्यावरण के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के कातुल बोर्ड में कोल इंडिया के रिटायर्ड अफसर के घर से चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कुल 235 ग्राम सोने के जेवरात, चांदी की पायल और अन्य सामग्री पुलिस ने जब्त की। CSP कौशलेंद्र देव पटेल ने बताया कि जिले में बढ़ते चोरी के मामलों को मद्देनजर नियंत्रण व अंकुश लगाने हेतु क्षेत्र में बीट प्रणाली को मजबूत कर त्वरित कार्रवाई कर धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। प्रार्थी पुरुषोत्तम जयंत चौधरी ने मोहन नगर जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रार्थी कोल इंडिया लिमिटेड से रिटायर्ड अधिकारी है। अपने घर में ताला लगाकर अपने छोटे भाई से मिलने सेक्टर 2 भिलाई गया था, जहां से देर रात्रि अपने घर वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली हुई थी, जिसमें रखे सोने एवं चांदी के जेवरात को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। प्रार्थी 2 वर्ष अपने पत्नी के देहांत के बाद अकेले निवासरत था। तीनों ने मिलकर
सुने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस का दहशत खत्म नहीं हुआ है, हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से इस विषय में इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। जो हमारे जो भी थाना क्षेत्र के स्टाफ हैं, अन्य जो भी हमारे सूचना संकलन करने वाले स्टाफ होते हैं, उनके द्वारा प्रॉपर गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है, हमारे द्वारा गश्त पेट्रोलिंग की जा रही है। रात में भी और दिन में भी 24 घंटे हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ एक्टिव रहती हैं, 112 की गाड़ियाँ भी एक्टिव रहती हैं। और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में कम से कम गोलियाँ हों, और अगर चोरी किसी कारण हो भी जाती है तो तत्काल उसको रिकवर कर लेना। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 235 ग्राम सोने के जेवरात, चांदी की पायल, बिछिया, 4 नग मोबाइल, 3 लेडीज हाथ घड़ी एवं नकदी रकम 3,000, कुल कीमती लगभग 12 लाख रुपए बरामद हुआ है। वहीं एक आरोपी शंकरनाथ उर्फ बिट्टू ने चोरी के पैसों से अपने घर में सीसीटीवी कैमरा तक लगवा लिया था, ताकि उनके घर पर आने वाले हर लोगों पर वह नजर रख सके। खुलासा करते हुए CSP पटेल ने बताया कि 3 आरोपी पकड़े गए हैं, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनीति दल से जुड़े नेता बेरला क्षेत्र के ग्राम सरदा में प्रदूषण युक्त उद्योग लगाने का भ्रम फैलाकर किसानों व आम जनता के बीच गलत अफवाहें फैला रहे हैं। वास्तविकता यह है कि ग्राम नेवनारा में किसी तरह के उद्योग के लिए आवेदन ही अब तक जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ भ्रम फैलाकर लोगों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है। भाजपा ने नेताओं के पास विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए किसी तरह का मुद्दा नहीं होने के कारण से कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से प्रदूषण युक्त उद्योग लगाने की भ्रम की राजनीति पर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ एक पत्रकार वार्ता रखी गई थी। जिला अध्यक्ष ने आदरणीय संगठन के सभी उपस्थित थे, उसमें 2-3 मुख्य बातें थी। एक सबसे पहली बात ये थी कि कुछ लोगों के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्र में भ्रम फैलाया जा रहा है कि कुछ उद्योग यहाँ डलने वाले, जिससे लोगों की फसलों को नुकसान होगा, जिसके दूषित पानी से फसल बर्बाद हो जाएगी, प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो उसके लिए मैं लगातार हम लोग की बात मीडिया के माध्यम से जब पढ़ रहे थे, जानकारियाँ आ रही थी, तो उस बात का पटाक्षेप करने के लिए पत्रकार वार्ता ली गई थी, जिसमें पूरा विस्तार से जानकारी दी कि सरकार की मंशा है बेमेतरा जिले में उद्योग खुले, लेकिन हम उद्योग चाहते हैं कृषि आधारित, इसमें लोगों को रोजगार भी मिले, फसल के दाम भी किसानों को अच्छा मिल सके। किस कृषि आधारित उद्योग का हम स्वागत करते हैं, पर कोई भी ऐसा उद्योग जिससे लोगों को नुकसान होगा वो उद्योग हमारे बेमेतरा जिले में कभी करना। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने विधायक कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, उन्होंने कहा कि मैं उद्योग लगाने का विरोध नहीं करता हूं, किंतु प्रदूषण व मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले सभी उद्योगों का विरोध करूंगा। मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री से चर्चा कर क्षेत्र की भावनाओं से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री भी इस बात से सहमत है कि बेमेतरा जिला कृषक जिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. Celebration Safari,
बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था, सेलिब्रेशन सफारी बारनावापारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमबे से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से मानसून में काफी बदलाव देखा जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों में भी मौसम का परिवर्तन हो रहा है। आज सुबह भिलाई में काफी तेज बारिश हुई जिससे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। लगातार पिछले कुछ दिनों से शहर के मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। सुबह तेज धूप होती है तो वहीं शाम होते होते मौसम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। मौसम ठंडा और खुशनुमा हो जाता है। मौसम विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह अच्छी बारिश हुई तो किसानों को खेती करने में काफी लाभ होगा। पिछले कुछ दिनों से किसान पानी की किल्लतों से परेशान थे, लेकिन पर्याप्त वर्षा होने से किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि इसी तरह वर्षा होने से शहरों में भी गर्मी और उमस से लोगों को निजात मिलेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए रंजना राज की रिपोर्ट। बीएम शाह अस्पताल भिलाई में आज श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापना की गई। इस समारोह में अस्पताल के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री अरुण मिश्रा, डॉक्टर, नर्स समेत मरीज के परिजन भी उपस्थित रहे। मरीज के परिजनों ने मरीज के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। इस अस्पताल में हर साल श्री गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। बप्पा के आशीर्वाद से सारे अस्पताल के वातावरण में सकारात्मकता तथा संवेदनशीलता आ गई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जिले में वायरल बुखार का प्रकोप देखा जा रहा है जिससे अस्पतालों में भीड़ बढ़ी हुई है। वहीं इसकी चपेट में पीटीएस के पुलिस जवान भी आए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजनांदगांव जिले के विभिन्न क्षेत्रों में टाइफाइड, डेंगू के मामलों के साथ वायरल अटैक देखा जा रहा है जिससे सर्दी, खांसी और वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगभग 100 लोगों में से 30 लोगों में वायरल बुखार पाया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में भी बड़ी संख्या में जवानों को सर्दी, खांसी और बुखार हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वहां कैंप लगाया और लगभग 40 जवानों की जांच की गई, जिसमें से 17 जवान वायरल फीवर से पीड़ित पाए गए और 2 जवानों में डेंगू के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद उनके रक्त के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इस मामले में राजनांदगांव के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा कि बारिश के दिनों में वायरल फीवर की शिकायत रहती है, जिससे खान पान में सतर्कता बरतने की जरूरत है। हाँ, बरसात के मौसम में वायरल फीवर की शिकायत होती है। वर्तमान में भी सर्दी, खांसी, बुखार के साथ मरीज अस्पताल आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सभी जगह आने वालों का उपचार किया जा रहा है और दवाई दी जा रही है। साथ में क्योंकि कोविड का तीसरी लहर की संभावना है, इसको देखते हुए हम लोग लगातार सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, जिसमें केसेस अत्यंत कम है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। पीटीएस में जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है राजनांदगांव का, वहाँ पर सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत प्राप्त हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार 3 दिन वहाँ पर विजिट करी, लोगों की जांच की, कोविड टेस्ट की, डेंगू मलेरिया के टेस्ट किए गए, लेकिन कोविड किसी को नहीं पाया गया। डेंगू में 2 को संभावना पाई गई, जिसका ब्लड सैंपल लेकर भेजा गया है और बाकी सभी वायरल फीवर से ग्रसित थे, सभी को उपचार किया गया। पीटीएस में वायरल फीवर से पीड़ित इन जवानों का कोरोना जांच भी किया गया। राहत की बात रही कि जांच के दौरान किसी भी जवान में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने नहीं आया। पीटीएस के जवानों में तेजी से फैलते वायरल फीवर को देखते हुए बड़ी संख्या में जवानों को जिला चिकित्सालय लाकर डेंगू और टाइफाइड की जांच कराई गई। वहीं शहर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले भर में बढ़ते वायरल और डेंगू के मामले को देखते हुए सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों से अपील कर सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।
बेमेतरा में राजीव खेल सम्मान समारोह 12 सितंबर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लगभग 100 प्रतिभागी शामिल होंगे। जिले के टाउन हॉल में होगा सम्मान समारोह। बेमेतरा में राजीव खेल प्रतियोगिता सम्मान समारोह बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के लगभग 100 प्रतिभागी शामिल होंगे। ये आगामी 12 सितंबर को राजीव खेल प्रतिभा सम्मान समारोह एवं बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का कार्यक्रम जिला कांग्रेस स्पोर्ट्स क्लब बेमेतरा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें तकरीबन राज्य से लगभग 100 बॉडी बिल्डर आ रहे हैं और लगभग 300 खिलाड़ियों का हम सम्मान यहाँ पे करने जा रहे हैं। माननीय विधायक जी के विशेष सहयोग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे खेल के क्षेत्रों में बहुत सारे खिलाड़ी आएंगे, साथ में उनके कोच भी आएंगे और बड़े बड़े नाम यहाँ पे खेल की भी दुनिया से आने वाले हैं। कार्यक्रम स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा के सहयोग से हो रहा है और यह कार्यक्रम 12 सितंबर को टाउन हॉल दुर्ग रोड बेमेतरा में आयोजित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।